हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम प्रॉपर सेटिंग्स के साथ किस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास टू डिफरेंट वेज हैं। फर्स्टली, आप जो है स्टार्टअप स्क्रीन से भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाकर न्यू से डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल एन करते हैं तो भी आप न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो डिस्प्ले होती है, जहाँ पर फर्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स, जिसे अभी आप यहाँ पर डिफॉल्ट ही रहने देंगे। नेक्स्ट आता है इंटेंट। इंटेंट में अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है प्रिंट। आप इस ड्रॉपडाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, वेब। मीन्स कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो किस पर्पज के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, वेब के लिए या प्रिंट के लिए। तो हम यहाँ पर प्रिंट सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट आप यहां से नंबर ऑफ पेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस है 1। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस एंटर करते हैं 4, तो जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा उसमें 4 पेजेस आपको डिस्प्ले करेगा। देन नेक्स्ट आता है स्टार्ट पेज नंबर। बेसिकली जो पेज नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, बट अगर आप पेज नंबर 2, 3, 4 या जिस भी वैल्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे हमने नंबर ऑफ पेजेस में 4 एंटर किया, इसने डॉक्यूमेंट प्रीसेट को कस्टम में चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस ड्रॉपडाउन बटन पर क्लिक करके इसे डिफॉल्ट करते हैं तो ये फिर से सभी सेटिंग्स को, मीन्स जो भी हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे उसे डिफॉल्ट में चेंज कर देता है। और अगर हम यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे और जो भी हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे ये उन्हीं चेंजेस के साथ हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट आता है पेज साइज। अभी आप देख सकते हैं कि पेज साइज है A4। आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके यहाँ से पेज साइज चेंज कर सकते हैं, लाइक लेटर, लीगल, देन नीचे आपको दिया है A5, A4, A3। इसी के साथ आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ स्क्रीन साइजेस हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर जो पेज साइज सेलेक्ट कर रहे हैं वो लेटर है, हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है विड्थ हाइट। अगर आप यहाँ पर अपने पेज की हाइट विड्थ को अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो वो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, बट हमने जो है यहाँ पर पेज साइज जो है वो लेटर सेलेक्ट किया है, इसलिए हमें यहाँ पर लेटर पेज की विड्थ और हाइट डिस्प्ले कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पर कोई चेंजेस करेंगे तो ये पेज साइज लेटर को हटाकर कस्टम डिस्प्ले करेगा। हम एक बार यहाँ से सपोज इसकी विड्थ को चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर हमें शो किया है कस्टम। तो अब हम यहाँ पर जैसे ही ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इसी विड्थ और इसी हाइट के साथ इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेगा। वापस हम इसे लेटर में चेंज करते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन 2 टाइप्स की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि किस तरह से आप डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में या लैंडस्केप ओरिएंटेशन में। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे पोर्ट्रेट रहने देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है यहाँ पर कॉलम्स। अभी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स है 1। अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं और आप इस बटन पर क्लिक करके भी नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स को इंक्रीज करता है, और नीचे वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम को डिक्रीज करता है। यही सेम चीज आप विड्थ और हाइट में भी कर सकते हैं। आप सपोज हम यहाँ पर चाहते हैं कि हर पेज पर 3 कॉलम्स हमें डिस्प्ले हों तो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 3। देन यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है गटर। गटर जो है वो कॉलम्स के बिटवीन का स्पेस है। अगर इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इन बटन्स की हेल्प से इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर यही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है मार्जिन्स। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के टॉप, बॉटम, इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं तो आप मैनुअली टाइप करके या इन बटन्स की हेल्प से इंक्रीज या डिक्रीज करके मार्जिन्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अब हम यहाँ पर अपनी इन्हीं सेटिंग्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमने सेट किया था उसी सेटिंग के साथ हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर अपनी विंडो के बॉटम पर आते हैं, गो टू पेज पर आप इस ड्रॉपडाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यह आपको डिस्प्ले कर रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ पेजेस क्या है। अगर सपोज आप यहाँ से थर्ड पेज पर जाना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पर 3 पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके पेजेस यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों पेजेस यहाँ पर आपको ये कंबाइंड डिस्प्ले कर रहा है। जब भी हमें ये दो पेजेस एक साथ डिस्प्ले करता है तो उसे हम फेसिंग पेजेस कहते हैं।
बट अगर आप यहाँ पर अपने फर्स्ट पेज पर जाते हैं तो ये वहाँ पर आपको सिर्फ आपका सिंगल पेज ही डिस्प्ले करता है, बिकॉज ये आपका लेफ्ट पेज होता है। और जब आप यहाँ से सेकेंड पेज पर या थर्ड पेज पर जाते हैं तो ये आपको लेफ्ट और राइट दोनों पेजेस यहाँ पर डिस्प्ले करता है। और इसी के साथ हम फेसिंग पेजेस और सेफ प्रीसेट के बारे में अपने नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।